Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine. Our today's topic is importance of visual aid in oral communication. क्या होता है कि spoken words जो है वो ज़्यादा देर तक आपके mind में नहीं रहते. Like what he has written over here, spoken words are transient. Because of this limitation, we need strong visual support. के spoken words जो हैं वो temporary होते हैं. वो आप सुनते हो बहुत मुश्किल से, मीन्स कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो आपके माइंड में रह जाते हैं. इसलिए इस लिमिटेशन की वजह से जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो विजुअल एड्स की मदद लेते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि विजुअल एड्स जो चीज़ें आप देखते हो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहती हैं देन द स्पोकन वर्ड्स. इसलिए वो स्पोकन वर्ड्स के साथ साथ इमेजेस विजुअल्स भी दिखाते हैं ताकि वो चीज़ जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रह सके, ठीक है. So, the aim of this presentation or this topic is to discuss graphic communication in a relation to the use of media and presentation packages. कि आप किस तरह graphic communication use करते हो with the help of media and different presentation packages. इसकी importance क्या है? आप visual aids के जरिए audience का interest increase करते हो. आप उसके जरिए की पॉइंट्स जो है वो अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट करते हो. इंक्रीज द इंपैक्ट ऑफ मैसेज, अपना जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो उसका इंपैक्ट जो है वो इंक्रीज करते हो. हेल्प लिसनर्स रिटेन इंफॉर्मेशन, वही बात जो हमने पहले डिस्कस की है कि लिसनर्स जो है वो इन वीडियोस की मदद से जो है वो इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं. प्रेजेंटिंग आइडियाज विदाउट डिपेंडिंग ऑन नोट्स, एंड यू कैन प्रेजेंट योर आइडियाज विदाउट डिपेंडिंग मींस while you are presenting your idea with the help of pictures and visuals, you do not need notes. Again, he has just stated a few pictures of visual aids. Types iski kya hoti hain? Object means ki aap koi cheez sikha dete ho jiske bare mein aap baat kar rahe hote ho. Models, aap un objects ka model pura bana ke aap dikha dete ho, model present kar dete ho. Ye bhi visual aids ki ek form hai. फोटोग्राफ्स, आप जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, जो चीज़ बता रहे हो उसकी तस्वीर दिखा के कि आप अच्छे तरीके से उनको बता सकते हो और ऑडियंस जो है वो उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेंशन देती है. टेबल्स, आप अपना डाटा जो है वो एक्सप्लेन के साथ साथ जब आप उसको प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करके इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या चार्ट्स बताते हो तो रीडर्स जो हैं, जो लिसनर्स हैं, वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को ग्रैस्प कर लेते हैं और इजीली और क्विकली उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है. ये पाई चार्ट, बार चार्ट और विजुअल एड्स इन ओरल कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि विजुअल एड्स क्या होते हैं और वो किस तरह इम्पोर्टेंट होते हैं प्रेजेंटेशन में. विजुअल एड्स आर डिवाइसेस और प्रैक्टिसेस दैट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव. अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए विजुअल एड्स यूज करते हैं. Enables the audience to recognize information, at a much faster rate, and it also helps to memorize the same for a longer period of time. ये audience की मदद करता है information को store करने के लिए, ज़्यादा देर तक recognize करने के लिए और उसको memorize करने के लिए. We learn and retain. अब यहाँ पे वो थोड़ा सा इसी चीज़ को importance बताने के लिए एक एक percentage के हिसाब से बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट है ये विजुअल जो एड्स होती हैं कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें से 10% हम रिटेन करते हैं जो हम पढ़ते हैं, 20% वो हम रिटेन करते हैं जो हम सुनते हैं, 30% वो रिटेन करते हैं जो हम सीखते हैं, और 50% वो हम रिटेन करते हैं जो हम सुनते हैं और साथ साथ देखते हैं, ठीक है. तो यही होता है कि जब आप विजुअल एड्स दिखा रहे होते हो और साथ साथ उनको आप एक्सप्लेन भी कर रहे होते हो तो उसका क्या होता है, 50% आप उस चीज को रिटेन कर सकते हो अपने माइंड में. तो ये इस हद तक इम्पोर्टेंट है. एग्जांपल्स, ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली हैं. ऑब्जेक्ट्स और मॉडल्स हो सकते हैं. इंफोग्राफिक्स के आप क्या कर सकते हो, ग्राफ्स चार्ट्स की मदद से जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो. फोटोग्राफ्स दिखा के, डायग्राम्स दिखा के भी आप इंफॉर्मेशन शो कर रहे होते हो. वीडियोज एंड एक्टिविटीज, दीज ऑल आर forms of visual aids. Power क्या है visual aids की, ठीक है, enhancing the presentation. ये तो आपकी presentation को enhance कर देती है, उसको जो है वो audience का interest जो है वो capture करने में मदद देती है.
सेकेंड थिंग इज मेमोराइज के आप विजुअल्स जो है विजुअल इमेजेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहते हैं. कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलरफुल इमेजरी है पिक्चर्स के लिए ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कलरफुल इमेजेस की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको मेमोराइज भी कर लेता है जल्दी से. अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन The use of aids concentrates the attention of the listener on one particular object, which becomes a focal point. ये जो है वो ऑडियंस की अटेंशन को जो है वो अपनी तरफ कैप्चर करने में मदद देता है और ये डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने में भी हेल्पफुल होता है कि जब आप एक चीज बता रहे हो साथ उसकी तस्वीर दिखा के आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो ऑडियंस जो है वो अटेंटिवली उस चीज को सुन रही होती है. सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन इसमें होती है. Visual resources enables the speaker to systematically organize large chunks of information into smaller, more attractive bits. कि आप क्या कर सकते हो कि visual images के जरिए आप बड़ी सी जो information है उसको छोटे से interactive bits में divide करके भी आप explain कर सकते हो ताकि वो जो listeners हैं वो उसको अच्छी तरीके से retain कर सकें. Repetition of information helps to repeat with more clarity. Thus enhancing the chances of better understanding. कि sometimes ऐसी चीज होती है जो जब आप बार बार बोलते हो रिपीट करते हो तो बोरिंग हो जाती है लेकिन वही चीज जब आप विजुअल एड्स के जरिए रिपीट कर रहे होते हो तो जो है वो अच्छी अंडरस्टैंड बेशक वो बोरिंग लगे आपको सुनने में लेकिन जब आप उसको उसके रेपिटेशन देख रहे होते हो विजुअल एड्स में तो वही चीज आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है. बेटर अंडरस्टैंडिंग वही है कि आप विजुअल एड्स के जरिए ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो चीजों को. कंसंट्रेशन की बात हमने कर ली है कि आप जो है इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करते हो जो ऑडियंस होता है पिक्चर्स की तरफ ज्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके जो है वो सीख रहा होता है. टिप्स टू मेक विजुअल एड्स इन ओरल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव. क्या टिप्स हैं कि आप अपनी ओरल कम्युनिकेशन जो विजुअल एड्स हैं उनको किस तरह ओरल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव बना सकते हो. डोंट यूज टू मेनी लाइंस और फिगर्स इन वन एड. एक ही एड में आप ज्यादा लाइंस या तस्वीरें यूज ना करो मीन उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना कर दो. उसमें एक वक्त में एक या दो जो है वो आपके एड में तस्वीरें दिखाओ ताकि वो अच्छे तरीके से वो समझ आए ऑडियंस को. इट शुड बी विजिबल टू वन एंड ऑल फ्रॉम एवरी कॉर्नर. और इतनी हो कि वो मीन उसका साइज जो है वो इतना हो कि इजिली बाहर एक को हर तरफ से विजिबल हो जो आप दिखाना चाह रहे हो. इट शुड नॉट बी वेरी लाइट दैट द ऑडियंस फाइंड हार्ड टू सी. उसमें आप कलर्स बहुत ज्यादा लाइट यूज ना करो ये ना हो कि ऑडियंस को वो चीज नजर ही ना आए. बी फेमिलियर विद बेसिक ऑपरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और जिस डिवाइस के आप एड्स यूज कर रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी का आप पता हो कि किस तरह उसको यूज करनी है. Use the help of appropriate aid based on subject situation. और आप subject और situation के हिसाब से जो है वो appropriate aids use करो. Different types of visual aids होती हैं. हम PowerPoints के जरिए भी हम visual aids use करते हैं. Presentations के जरिए overhead projector slides transparencies के जरिए हम use करते हैं. White और blackboards पे use करते हैं. Paper handouts flip cards और videos पे हम use कर रहे हैं. Different types of visual aids hain. PowerPoint hai ji. PowerPoint is probably now the most commonly used form of visual aid. PowerPoint jo hai aap sabse zyada use hone wali ye type of visual aid ki isme hum kya karte hain kya cheeze hame karni chahiye aur kya cheeze nahi karni chahiye while using PowerPoint as a visual aid. Use a big enough font. Font size jo hai jo aapki writing ka size hai wo big enough hona chahiye taki wo sabko wo nazar aaye. Keep the background simple. आपके स्लाइड का बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए. Use animations when appropriate. हर वक्त एनिमेशन यूज ना करें बल्कि उस वक्त एनिमेशन यूज करने चाहिए जब जरूरत हो. Make things visual. और जो चीजें आप उसमें यूज कर रहे हो जो तस्वीरें यूज कर रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए उसकी पिक्चर क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि वो नजर आए. क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए. मेक इट सो स्मॉल यू कैन नॉट रीड इट. इतना छोटा साइज ना हो फोन का कि आप उसे पढ़ ही ना सको. यूज अ फसी बैकग्राउंड इमेज और इमेज जो आप बैकग्राउंड इमेज यूज कर रहे हो वो फसी ना हो मीन इस तरह से ना हो के समझ ही ना आए. बट डोंट ओवरडू द एनिमेशन इट गेट्स डिस्ट्रैक्टिंग. बहुत ज्यादा एनिमेशंस यूज करने से वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है आपकी स्लाइड्स. यूज एंडलेस स्लाइड्स ऑफ बुलेटेड लिस्ट दैट ऑल लुक
सेम जो है वो हर एक स्लाइड पे उसी तरह की बुलेट्स आप यूज ना करो, इससे क्या होगा वो एक तरह से ही वो नजर आएगी सारी स्लाइड्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड ये भी एक काम यूज करते हो, प्रोजेक्टर जिसपे आप क्या करते हो ट्रांसपेरेंसी बनाते हो, स्लाइड्स बनाते हो और आप प्रोजेक्टर के जरिए स्लाइड्स को रन करते हो यूज करते हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड्स आर डिस्प्लेड ऑन द ओवरहेड प्रोजेक्टर अ वेरी यूजफुल टूल फाउंड इन मोस्ट लेक्चर्स एंड सेमिनार रूम्स। The OHP projector enlarges your slides onto a screen or wall without requiring the light beam. You can produce your slides in three ways: free prepared slides, spontaneously produced slides, and mixture of each. इसमें क्या करते हो आप अपनी जो slides बना रहे होते हैं वो क्या करते हैं वो उसका wall पे जो है या screen पे जो है उसको enlarge करके उसका projector जो है वो image display कर देते हैं। तो उससे क्या होता है मीन्स अगर बड़ा हॉल है ये ज्यादातर बड़े हॉल्स या सेमिनार्स में यूज किए जाते हैं जहाँ पे ऑडियंस वगैरह ज्यादा होती है और आपको दूर तक आप इस स्लाइड को जो है वो स्टेज से थ्रो मिल जाता है कि ये इमेज लार्ज करके दिखाते हैं और दूर तक वो आपके इमेज नजर आते हैं। वाइडर ब्लैक बोर्ड कैन बी वेरी यूजफुल टू हेल्प एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज और रूटीन। यूज देम टू क्लेरिफाई योर टाइटल और टू रिकॉर्ड योर की पॉइंट्स एज यू इंट्रोड्यूस योर प्रेजेंटेशन। व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड्स के जरिए भी आप इनको भी आप विजुअल एड्स के तौर पे यूज कर सकते हो, मींस आप अपनी प्रेजेंटेशन के की पॉइंट्स वहां पे बना सकते हो या चार्ट्स भी वहां पे लगा के आप व्हाइट या ब्लैक बोर्ड को एज अ विजुअल एड्स यूज कर सकते हो। पेपर हैंडआउट्स ये भी आप एज अ विजुअल एड्स यूज कर सकते हो एंड दे आर इनक्रेडिबली यूजफुल। यूज अ हैंडआउट इफ योर इंफॉर्मेशन इज टू डिटेल्ड टू फिट ऑन अ स्लाइड और इफ यू वांट योर ऑडियंस टू हैव अ फुल रिकॉर्ड ऑफ योर फाइंडिंग्स। ऐसा होता है अक्सर कि आपकी जो स्लाइड होती है स्लाइड को में हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देते, ठीक है, स्लाइड में दो तीन चार पांच बुलेट्स से ज्यादा हम बुलेट्स ऐड नहीं करते, वो फंसी हो जाता है। तो क्या करते हैं अक्सर कि उसकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हैंड आउट पर प्रिंट करके हम वो ऑडियंस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो उसकी डिटेल साथ साथ पढ़ते जाएं। फ्लिप कार्ड्स होते हैं, फ्लिप कार्ड इज अ लार्ज पैड ऑफ पेपर होना stand it is very useful and flexible way of recording information during your presentation. You can even use pre-prepared sheets for key points, flip back through the pad to help you read your main points. These flip cards charts ke zariye bhi aap jo hai wo apni information convey kar sakte ho in a better way. Videos or DVD or VHS jo hota hai iske zariye ye bhi ek visual aids ki bahut zyada use hone wali hai aajkal टेक्निक है। वीडियो गिव्स यू अ चांस टू शो स्टिमुलेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। यूज वीडियो टू ब्रिंग मूवमेंट पिक्चर्स एंड साउंड्स इनटू योर प्रेजेंटेशन। आल्सो मेक श्योर दैट द क्लिप इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू द कंटेंट। के आप अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियोस बना सकते हो और उसमें आप इवन अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ही एक वीडियो भी यूज कर सकते हो जो कि रेलेवेंट टू योर टॉपिक। रोल ऑफ कंप्यूटर इन ओरल प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है ओरल प्रेजेंटेशन में। इट इज वंडरफुल टूल टू प्रिपेयर एंड डिलीवर द प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन इसके जरिए बना सकते हो, पावरफुल पावर पॉइंट आप इस पे यूज कर सकते हो। यूज फॉर क्रिएशन ऑफ वेरियस स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर आर ब्रिलियंट एड्स इन प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर एन एक्सीलेंट वे टू स्टोर डेटा। मींस इसमें आप पावर पॉइंट्स के जरिए कंप्यूटर पे आप अच्छी से अच्छी स्लाइड्स बना सकते हो, आप उसमें वीडियो एड्स ऐड कर सकते हो, आप उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हो। कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस क्या हैं इसमें, हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, मल्टी डायमेंशनल लर्निंग थ्रू वर्क्स एंड ग्राफ्स, दी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर अलाउज टू कंप्लीट मेनी एक्टिविटी एट अ टाइम, स्पीकर्स कॉन्फिडेंस। इसके ये सारे फायदे हैं कि आप एक से ज्यादा स्टूडेंट्स ये हैंडल कर सकते हैं, इसमें आप हर तरह के ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह बना सकते हो, इसमें जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आप एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा इस पर काम कर सकते हो। और डिसएडवांटेजेस क्या है, इट लैक्स ह्यूमन एंड इमोशनल फैक्टर, इसमें कोई इमोशनल फैक्टर नहीं है, मीन्स के जो गलती होगी वो ह्यूमन की ही होगी और खुद से उस चीज को वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली प्रॉब्लम इन डेवलपिंग लैंग्वेज। और इसका कंक्लूजन क्या है, इसमें हमने यही के हेवी एड्स जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और प्रेजेंटेशन में, और वो जो आपका जो डाटा होता है जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी कितनी जो है वो इजीली रिटेन करवा देती है आपकी पीपल एड्स होती हैं लिसनर्स के
माइंड में और ज्यादा देर तक जो है वो लिसनर्स आपकी बात को अपने अपनी माइंड में रख सकते हैं, इसको रिटेन कर सकते हैं व्हेन द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ एवीएड्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एवीएड्स इन ओरल कम्युनिकेशन. सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.